देखिए, डरने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि हम समझ सकते हैं और परिस्थितियों को अवॉइड कर सकते हैं, तो जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं वहाँ तक अवॉइड करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली डरना चाहिए, बिकॉज उनका भरोसा नहीं है कि वो लोग कब क्या कर बैठे। और जो आप देख ही रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले टेररिस्ट अटैक किया, तो उसमें पाकिस्तानी ही थे, ये भी पता चल गया था। ऐसा नहीं है, भारत से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं, भारत जो है चाहे तो एक दिन ढेर कर देगा, ऐसी जो कोई बात नहीं है। लेकिन भारत थोड़ा बातों से ही बात बन जाए, लेकिन वो अपना गतिविधियाँ बढ़ाता रहता है। नहीं नहीं, भारत को बिल्कुल डर के नहीं रहना चाहिए। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको तो ये मैसेज देना चाहिए अपने यहाँ के हिंदू सिज्म को कि जस्ट प्रमोट देयर कंट्री, वट एवर दे वॉन्ट टू डू जस्ट डू। इफ दे वॉन्ट टू टेक अर रिवेंज, सो आई थिंक वी शुड टेक अर रिवेंज ऑल्सो। डर के क्यों रहना चाहिए यार, डरने वाली बात ही नहीं है। डर के क्यों रहेगा, उसका सामना करना चाहिए। अगर वो एक मारे तो हम दो मारेंगे उन्हें, डरने की बात कोई है नहीं इसमें। नो नॉट एट ऑल, इंडिया इज़ द बेस्ट। एक बेहतर इंसान जो है पाकिस्तान वाले भी हैं, और वो भी हमारे ही अपने मुल्क के लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं इसलिए जो है, तो हमें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वैसे डरना तो नहीं चाहिए, उसका खुल के मुकाबला करना चाहिए जो है। डरना तो नहीं चाहिए भारत को, भारत कहाँ डरने वाला देश है। भारत तो देश है।